सकता है मनीष जी कहाँ गए? चलिए, बरही विधानसभा क्षेत्र से इस समय मनोज यादव ने अपना नामांकन कर दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी मनोज यादव से काफी आशाएं हैं। मनोज जी, इस बार चुनावी एजेंडा क्या होगा, क्योंकि मैदान में अभी तक खिलाड़ी नहीं आया है आपके? देखिए, ऐसा है चलते जाए कि बरही विधानसभा सहित पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसानों को खेत में पानी नहीं मिला, उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। इन सारे विषयों पर झारखंड सरकार का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में आएगी। अगले जो कांग्रेस से प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं, कांग्रेस का कोई अब तक प्रत्याशी आखिरी कल देखिए भी है, तो उनका विषय है, मेरा विषय नहीं है। कौन आएंगे नहीं आएंगे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी यहाँ से परचम फहराएगी, यह तय है। इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप, ले जा रहे हैं? नहीं, यहाँ स्थानीय स्थानीय रूप में स्थानीय जो प्रशासन है वो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है। आम जनता परेशान है और इसी आम जनता को परेशानी से निजात करने के लिए हम लोग विधानसभा चुनाव आए हैं। ये थे मनोज यादव और ये तमाम जो ये परिस्थितियां हैं, और ऐसे में सांसद मनीष जायसवाल हमारे साथ है। मनीष जी, इस बार मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, भ्रष्टाचार इस राज्य का बहुत बड़ा मुद्दा है। जो लूट है सरकार का, अव्यवस्था है जो सरकार का, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। लोग बदलाव इसलिए चाहते हैं, सरकार इसलिए चाहते हैं कि काम हो, उनका सम्मान बढ़े, राज्य आगे बढ़े। ऐसी सरकार जो लूट रही हो, जो अव्यवस्था फैला रही हो, ऐसे सरकार का कोई काम। अभी प्रतिद्वंदी सामने नहीं आ पा रहे हैं बरही में। प्रतिद्वंदी कांग्रेस को मिल ही नहीं रहा है, आप ऐसा मान लीजिए। कांग्रेस पार्टी फिलहाल उम्मीदवार चयन नहीं कर पाई है, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशियों में लगातार ये उम्मीद और किरण है कि इन दोनों सीटों पर बीजेपी अपना परचम लहराएगी। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, बरही। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।